हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। हाल ही में हमने कुछ पार्टी सरबराहान से भी गुफ्तगू की है जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का पेश मंज़र बताने की और जानने की उनसे पूछने की कोशिश एक ज़रूर की है कि हो क्या रहा है, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। हमारे साथ आज भी पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर जनाब इमरान खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, बहुत से सवाल उनसे पूछने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। खान साहब, एक तो अभी जो लंदन फार्मूला की बात हो रही है, लंदन प्लान की बात हो रही है और नून लीग लगता है कि वो मज़ाहमत की पॉलिटिक्स इस हद तक के माइनस नवाज शरीफ कुछ काबिले कबूल नहीं उस पर एग्री कर गई है, आप कैसे देखते हैं? देखिए आसमा, माइनस वन तो हो चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो माइनस वन तो हो गया। अगर नून लीग अपने आप को तबाह करना चाहती है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको पूरा मौका दिया गया साबित करने के लिए कि उनके बाहर प्रॉपर्टीज, जो उन्होंने खुद माना कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं, और माना तब जबकि पैनमा के अंदर इंकशाफ हुआ है, तो उन्होंने जब मान लिया हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उनका उनके ऊपर ये लाजम था बताना किधर से पैसा आया, पैसा बाहर कैसे गया। अब वो सवा साल हो गया, वो ये जवाब नहीं दे सके। जो जवाब दिए वो झूठ बोले, अदालत में झूठ बोले, पार्लियामेंट में झूठ बोले। अब उसके बाद जब पूरे मौके के बाद उनको नाहल किया और उनकी ट्रायल शुरू हुई है, तो वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि नून लीग को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। माइनस वन वो हो चुके हैं, वो पाकिस्तान में आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने एक बड़ा जुल्म किया इस मुल्क की जमहूरियत पे, अपनी पार्टी को इस्तेमाल करके कानून पास कर दिया है जो दुनिया में किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक नाहिल आदमी जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नाहिल हुआ है, वो नाहिल आदमी पार्टी का हेड बन जाए, एक मुजरिम पार्टी का हेड बन जाए। उन्होंने अपनी पार्टी को इस्तेमाल करके अपने आप को हेड तो बना लिया है, लेकिन वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में माइनस हो चुके हैं। आप समझते हैं उनकी सियासत खत्म हो गई है और शहबाज शरीफ को वजीर आजम नॉमिनेट उन्होंने किया है तो ये इसीलिए किया है कि मियां साहब नो मोर इन पॉलिटिक्स? नवाज शरीफ की सियासत कब्र में चली गई है, उसके ऊपर अब फूल भी उगाने शुरू कर दिए हैं, वो खत्म हो गई है। अगर नवाज शरीफ को अगर कोई भी, अब ये जो सारी कोशिश ये है कि एक एनआरओ लिया जाए, जिस तरह इन्होंने जनरल मुशर्रफ से 2000 में एनआरओ लिया था, तब भी उदायबा पेपर मिल का केस था, इन्होंने एनआरओ लिया क्योंकि उसमें पकड़े जाना था इन्होंने, और वो लेके 10 साल के बाद इन्होंने मुआहदा किया कि मैं बाहर रहूंगा, वो भी तोड़ा इन्होंने, पहले आ गए, लेकिन तब एनआरओ मिला और अब फिर पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर? कोशिश ये शहबाज शरीफ वहां गए और ये खाकान अब्बासी वहां गए, इन्होंने क्या वहां कहा? इन्होंने कहा ये कि जनाब हमारी पार्टी तबाह हो जाएगी, आप गवर्नमेंट से कॉन्फ्रंटेशन ना करें, आप सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंट ना करें, आप फौज को बुरा भला ना कहें क्योंकि हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है, आप अलहदा हो जाएं और शहबाज को आगे आने दें। इन्होंने, नवाज शरीफ ने, मुझे कभी इसमें कोई शक नहीं कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं अलहदा हो जाऊं और मैं कन्विक्ट हो जाऊं मनी लॉन्ड्रिंग में, मेरे सारे बाहर पैसे फ्रीज हो जाए, जो इतनी मेहनत से मैंने 300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है वो बाहर पड़े, वो फ्रीज हो जाए। और आप कह जी ये मियां साहब ने कहा होगा आपके ख्याल में, ये शहबाज शरीफ साहब? मैं मियां साहब की रग रग जानता हूं, 40 साल जो मैंने इनको देखा है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने नून लीग को भी के ऊपर भी खुद को शमला किया, वो अब करेंगे पाकिस्तान की वापस आके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे और पाकिस्तान की फौज पे। सुप्रीम कोर्ट और फौज का क्या कसूर है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं वो रोल प्ले किया, उस तरह के जजेस बने जो कि इन्होंने, जिनको सजाद अली शाह को जब इन्होंने हटाया था चीफ जस्टिस को, तो एक ब्रीफ केस पकड़ाया था जाके क्वेटा बेंच पे शहबाज शरीफ ने, या फिर शहबाज शरीफ टेलीफोन कर रहे हैं जस्टिस क्यूम को कि अच्छा जी वो ये फैसला करना, या सैफुररहमान जस्टिस क्यूम को फैसला कर रहा है कि बेनजीर को 5 नहीं 10 साल की सजा देना, इनको वो जज चाहिए थे। जब जजेस इनकी बात नहीं माने, मैनेज नहीं हो सके, तो अब वो साजिश हो गई।
फौज इनको वो फौज उनको आसमां वो चाहिए थी जिस जो इन्होंने आईजीआई जिसने बनाई जिन्होंने इनको मिरान बैंक के पैसे जाके दिए इलेक्शन लड़ने के लिए बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1990 में जो असगर खान का केस है और फिर उनको वही फौज ने इनके साथ मिलके फारूक लगारी के साथ बेनजीर की गवर्नमेंट हटाई 1996 में फिर एक ब्रिगेडियर ने एमआईए के ब्रिगेडियर ने 2013 के इलेक्शन में पंजाब में इनको इलेक्शन में उसको फौज को ने प्रोटेक्ट किया रिटर्निंग ऑफिसर को और उसने वहां बैठ के ठप्पे लगाए इनको उस तरह की फौज चाहिए जो इनके गलत काम करे सर मैं खुश हूं जज भी वो चाहिए जो गलत काम करे सर ये बात आपने 2013 के इलेक्शन के बाद एक दफा की थी लेकिन उसके बाद फिर आपने उसका और इस इदारे का नाम नहीं लिया आप पहले तो मैं दोबारा एनआरओ पे क्या आपको लगता है कि एनआरओ होगा या हो सकता है और अगर होगा तो किस इदारे के साथ इस बार एनआरओ होगा असमा मैं अगर एनआरओ की कोशिश की अगर एनआरओ इनको मिलेगा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट की को दफना के मिलेगा इसका मतलब यहाँ अदलिया खत्म अगर इतना कॉम्प्रिहेंसिव दो बेंचेस और एक जेआईटी के बाद एक आदमी को 5 साल के लिए एक आदमी को नाहल करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स इवेजन करप्शन पावर में बैठ के ये इन्होंने बाहर पैसा भिजवाया था परजरी झूठ बोला इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में और फिर फॉर्जरी जाली डॉक्यूमेंट्स पेश किए इन्होंने इनकी फैमिली ने और उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स 6 जुर्म है इनके ऊपर अगर इसके ऊपर अगर इनको एनआरओ मिलता है तो पहले तो आप दफना देना हमारी सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद जो जो इस मुल्क की अंदर लोग जेलों में बैठे हुए हैं जो इस मुल्क के गरीब लोग जेलों की सजाएं काट रहे हैं छोटी छोटी चोरियों पे उन जो जेल भी खोले मैं आपको आज कह रहा हूं मैं अपनी अवाम के सामने कह रहा हूं अगर एनआरओ इनको देने की कोशिश की इसको या शहबाज शरीफ को मैं इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को यहां सड़कों पे निकालूंगा हम ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे अब तक तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना ये हम इस गवर्नमेंट के सामने जाएंगे कि वो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानती जो एक करप्ट आदमी को बचाती है जो उसको प्रोटोकॉल देती है 40 गाड़ियों का जो उसकी बेटी अभी आई है वहां से मरियम वो लाहौर से लैंड की एयरपोर्ट टारमेट के ऊपर उसको गाड़ियां रिसीव करने गई हैं ये क्या कर रही है मुल्क के साथ कि एक मुजरिमों को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं उनको आप ऐसे कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं खाकान नवाज जी अभी भी मेरा ये प्राइम मिनिस्टर है ये कौन सी ये क्या मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं हम सड़कों पे निकलेंगे खान साहब ये तो खैर बहुत आपने क्लियर बात कर दी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा लेकिन कभी ये चीज मैं अपनी कौम को कहूंगा कि अगर आपने अपने बच्चों की तबाही करनी है तो मान जाए एक एनआरओ दो एनआरओ दिए गए एक नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने और दूसरा आसिफ जरदारी को इन दो एनआरओ ने इस मुल्क से जो जुल्म किया है सिर्फ एक चीज देख ले 35,000 कर्जा था हर पाकिस्तानी पे 2008 में आज 1,20,000 कर्जा है ये जो कौम को इन्होंने मकरूज करके कंगाल किया है सिर्फ 1,000 रुपया 2008 में क्या चीजें खरीदता था और वो 2017 में कितनी चीजें खरीदता है आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना जुल्म किया इस मुल्क से और अगर ये समझ रहे हैं कि हम एक और एनआरओ कबूल कर लेंगे किसी कोई गलत फहमी में ना और अगर इन्होंने एनआरओ फौज के साथ किया तो क्या होगा फौज जिससे मर्जी करे मैं यहाँ सड़कों के ऊपर हूँगा खान साहब ये मियाँ साहब तो बाहर है और वो लगता है कि जेल भी जाएंगे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जेल में बैठा नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक होगा और खास करके इलेक्शन से पहले पता नहीं क्यों ये कहते हैं इस बात से पता नहीं क्यों ये कहते हैं ये बुजदिल लोग हैं डरपोक लोग हैं मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह एक दुआ है कि अल्लाह मुझे कंजूसी और बुजदिली से बचा मैं ये इन लोगों को भी कहता हूँ जो डरपोक अगर बड़ा मुजरम अरबों रुपए की चोरी का आप जेल में नहीं डालेंगे तो छोटे चोरों को क्यों जेलों में डाला हुआ है मुझे ये बताएं मुझे आसमा मुझे बताएं ये मैं बार बार ये हदीस कोट करता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई जब ताकतवर को एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा ये सारी कौम अपनी आंखों के सामने देख रही है ये है हमारा तबाही का राज कि सारे जेलों में छोटे छोटे चोर हजारों की लाखों की चोरियों में जेलों में सड़े जो 300 अरब रुपया जो बाहर लेके गया है वो अपने आप को समझता है कि जी मैं
मेरे से बड़ा जुल्म हो रहा है, मुजलूम बना हुआ, मुझे क्यों निकाला। सर यही रोना तो आज मुराद अली शाह साहब ने रोया, और मुत्तफिका करारदाद उन्होंने, बल्कि करारदाद मजम्मत की जो है वो नैब के खिलाफ मंजूर की है सिंध असेंबली में, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि एक छोटा सूबा जो है वो कह रहा है कि हमारे साथ एहसास महरूमी है, हम छोटे हैं, हम पीपल्स पार्टी है, लिहाजा हमारे साथ एहतसाब इस तरह हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि उनके खिलाफ एहतसाब वाकई स्पीडी एहतसाब हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा? पहले तो अगर वो नैब के खिलाफ ये कह रहे हैं तो पंजाब असेंबली ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, पंजाब असेंबली ने नवाज शरीफ के प्रो और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर दी। कभी कोई ये इनको डेमोक्रेसी के स्पेलिंग ही नहीं आते कि इनको ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर है, अदलिया का अपना रोल है, लेजिस्लेचर का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, कोई एक दूसरे के रोल पर नहीं जा सकता। पहली तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, मुराद अली शाह क्या रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने चोरी नहीं की। मुराद अली शाह को पता है कि इन सारे जिंजर शर्जील मेमन और आसिफ जरदारी इनसे, ये तो नहीं बड़े डाकू हैं जितने नवाज शरीफ हैं, उसका मसला कुछ और है। वो ये कह रहा है कि हमारे से ज्यादती की जा रही है, यहाँ भी बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते, नैब का दोहरा मैयार है। हाँ, वो ये बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, शहबाज शरीफ के ऊपर हुदायबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस है, क्यों नहीं लगा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सुना जाए, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं खुला। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि वो ठीक, ये जो एहसास महरूमी है पीपल्स पार्टी वाले ठीक कहते हैं कि उनके जिस तरह यूसुफ रजा को ट्रीट किया गया प्राइम मिनिस्टर को, और जो नवाज शरीफ को ट्रीट किया गया, आप फर्क देख ले उनके अंदर। वहां भी यूसुफ रजा भी बचा रहे थे आसिफ जरदारी के जो 60 मिलियन डॉलर पड़े हुए थे स्विट्जरलैंड में, वो बचा रहे थे। यहां इस वक्त खाकान अब्बासी और इनकी सारी कैबिनेट नवाज शरीफ की 300 अरब रुपए की जो करप्शन है बाहर और मनी लॉन्ड्रिंग, वो बचा रहे हैं। लेकिन खान साहब, मियां साहब के चुप ना होने से नुकसान तो होगा, और आपने कल ट्वीट भी किया था कि मिलाइन करेंगे और उस पर फिर एनआरओ करेंगे, तो मिलाइन करने से तो फिर जाहिर है कि फर्क पड़ेगा, और उनके वोट बैंक पे भी फर्क पड़ सकता है। अस्मा, ये बड़ा सीधा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो नवाज शरीफ को जानता है, जो इनको इतने सालों से जानता है, उसे पता है क्या करना है। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने मुतनाज़ा करना है सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने अपनी पैसा बचाना है। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इनका मकसद जो 300 अरब रुपया इनका बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज में, 29 प्रॉपर्टीज दुनिया में, बैंक्स दुबई में प्रॉपर्टीज, वो जो 300 अरब रुपया है, इनको पता है कि अगर इनको कन्विक्शन होगी मनी लॉन्ड्रिंग पे, ये सारे पैसे खतरे में चले जाएंगे, ये फ्रीज हो जाएंगे। उसको बचाने के लिए ये पाकिस्तान की फौज को अटैक करेंगे, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ अटैक करेगा, ये नून लीग को इस्तेमाल करेगा। नून लीग में जो बचने की कोशिश करें, स्प्लिट क्या आ रही है, और लोग ज्यादातर समझ बैठे हैं कि ये तो अपने पैसे बचाने के लिए हमें नीचे लेके जा रहा है, वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं इसे। इन्होंने जो खास तौर पर नवाजे हुए हैं लोग, जिनको इन्होंने खास तौर पे, इनके जो लोग हैं, जो मरियम की जो ग्रुप तैयार किया हुआ है, वो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। ये समझ रहे, ये रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो ये तमाशा देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ से जब ये शोर शोर मचाएगा घबरा जाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्या ये नैब घबरा जाएगी, और अगर होगी तो ये वापस आ गया, तो इसलिए वो डर के बैठे हुए। लेकिन वो इससे अलहदा होने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बात यह है कि क्या हमारे इदारे स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे? मेरे ख्याल में खड़े होंगे। इदारों किससे मुराद आपकी? कोर्ट एंड फौज, नैब, सुप्रीम कोर्ट, फौज तक उनका एक, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप तो चेक एंड बैलेंस तो है ना, मतलब फौज का सिर्फ ये सारा जो शोर मचा रहे हैं, फौज ने गलत काम क्या किया? फौज ने कुछ भी, उन्होंने कहा आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, उन्होंने कौन सा गलत काम किया? उन्होंने सिर्फ यही किया है ना कि उनके जो दो आदमी जेआईटी में थे, एमआई के और आईएसआई के, उन्होंने इनसे ना इनकी धमकियां मानी और ना इन्होंने जो उनको ब्रीफ केस ऑफर किए होंगे वो माने, बस ये उनकी गलती है। सही, हम बात कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बहुत अहम सवालात हैं, मसलन ये कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात पीटीआई कर रही है, वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, और अभी जो तरमीमी बिल है कहीं पीछे तो नहीं हट रही पीटीआई कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से, ब्रेक के बाद इसमें बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब से। खान साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं, जो आपने कहा कि एनआरओ को अब तस्लीम नहीं करेंगे,
आपने कहा कि इलेक्शंस पहले होने चाहिए, ना मैं तस्लीम करूंगा ना पाकिस्तान की कौम ये तस्लीम करेगी। हम किसी सूरत अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चोरी हुआ हुआ हमारा पैसा और कोई और उनको एनआरओ दे दे, जिस तरह मुशर्रफ ने दिया। मुशर्रफ का तो पैसा नहीं था, पैसा तो हमारा था। 2 अरब मुशर्रफ ने खर्च किए स्विस, ये जो केस करने के लिए जो जरदारी का पैसा पड़ा हुआ था स्विस बैंक में, 2 अरब रुपया, और फिर उसको एनआरओ दे दिया। पूरा उन्होंने केस लड़ा, वहां करोड़ों रुपया खर्च किया। वो जो सरेमाल था, वो जब पैसा वो बेच के पैसा आना था, इसने एनआरओ ने दे दिया, वो सिर्फ जरदारी में। तो खान साहब, मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए कि उन्होंने एनआरओ दिया क्यों, मतलब रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जगह की बात है। नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का पैसा माफ कर दिया किसी को। यानी देखे ना, आप जनरल मुशर्रफ से चोरी करते तो ठीक है, हातम ताइयब माफ कर देता, लेकिन इस कौम का पैसा, अब ये नवाज शरीफ के पास 300 अरब रुपए की, इससे ज्यादा बाहर है, लेकिन 300 अरब रुपए का इसने जवाब देना है जो बाहर पड़ा। पख्तूनख्वा का सालाना डेवलपमेंट बजट 100 अरब रुपया, आप सोचे कितना पैसा ये बाहर लेके गया। बिल्कुल, लेकिन खान साहब, पख्तूनख्वा के अंदर एहतसाब के ऊपर भी बहुत सी तनकीद, जैसे आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि केपीके में तो कोई एहतसाब ही नहीं हो रहा, वहाँ पे चंद लोग बैठे हुए हैं और वो बस खाए जा रहे हैं और उनको कोई दिखा भी नहीं रहा, कोई उस पर बात भी नहीं करता। तो ये एक मौजूद है कि आपका जैसे चेयरमैन कोई नहीं है वहाँ पे अभी तक, तो उस पर भी तनकीद तो हो रही है सर। मुराद अली शाह का ये मैं कहूँगा, वो एक अंग्रेजी का एक सेइंग है, इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ। वो इसलिए कि जो चोर है ना, वो चोर की तरह सोचता, तो इसलिए उस सोच से ना वो कहता है कि ये ही करेगा, क्योंकि ये खुद करप्शन की पैदावार है सारे, ये समझते हैं बाकी भी इन्हीं की तरह के हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने हमारा पास, वहाँ नैब है काम कर रही पख्तूनख्वा के अंदर, हम उनको, मैं खुद कहता हूँ नैब को कि पकड़े किसी को। फिर हमारा एहतसाब भी था, उसने क्या किया, पहले तहरीक इंसाफ के वजीर को पकड़ लिया। कभी इन्होंने कभी सोचा, पीपल्स पार्टी के दौर में सारे जब चोरी कर रहे थे, इनकी नैब ने एक इनके वजीर को पकड़ा, तो हमने तो अपने आते साथ ही वजीर को पकड़ लिया। फिर प्रॉब्लम हुआ, हमारा चेयरमैन रिजाइन कर गया। हमने क्या किया, हमने कहा जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, हमने कहा आप चेयरमैन सेलेक्ट करें हमारे एहतसाब का, ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब ये हमने अपना आदमी, जिस तरह इनका कमर जमान था, जिसने दोनों को मिल मिला के इन्होंने दोनों को बचाने की कोशिश की, जरदारी को, नवाज शरीफ को। हमने कहा पेशावर का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आप हमारे चूज करें, जो डीजी है हमारा एहतसाब का। वो बदकिस्मती से अभी उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, लेकिन हमने तो उनको अथॉरिटी दे दी है। तो आपने वैसे परसू किया कि होना चाहिए था, ताकि एक एग्जांपल होती लोगों के सामने कि केपी में एहतसाब सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। असमा, प्रॉब्लम यह है, मेरा कुछ और सोच थी। मैं ये चाहता था कि हम हेड हंट करके एक आदमी जिसकी एक्सपर्टीज है, बल्कि मैं सब जो एक्सपर्टीज है वो शुएब सरल की, मैं चाहता था कि वो बने वहाँ के एहतसाब के हेड, इसलिए कि वो वाइट कॉलर क्राइम के PhD हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह करेंगे, अगर हम अपॉइंट करते हैं या मेरी तरफ से रिकमेंडेशन पे अपॉइंट, तो क्या जी इमरान खान का आदमी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, कमेटी ने फिर एहतसाब कमीशन बनाए, उन्होंने फिर एडवर्टाइज किया और उन्होंने फिर चूज किया, यानी इंडिपेंडेंट एहतसाब चूज किया, हमारे हाथ में नहीं था। और वो फिर क्लैश हो गया कमीशन का और DG एहतसाब का, वो रिजाइन कर गए। उसके बाद हमने कहा कि आप चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के, आप सिलेक्ट करें। वो बदकिस्मती से अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। सर, आगे चलते हैं इंतखाबात के हवाले से। आपने मुतालबा किया कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, और एक तो पहले आपने ये नहीं किया था, लेकिन जैसे ही अब्बासी साहब आए तो आपने कहा इलेक्शन। अब क्यों आपको महसूस हो रहा है कि इलेक्शंस पहले होने चाहिए वक्त से? असल में असमा देखिए, लोगों को डेमोक्रेसी की समझ नहीं है। अब ट्रीसा में उसको क्या जरूरत थी कि वो इलेक्शन करवाती, वो बिल्कुल वही सिचुएशन हो गया ना। डेविड कैमरॉन गया, टेरेसा मे को पार्टी ने बना दिया, और जिस तरह अब पार्टी को ये खाकान अब्बासी ने बनाया। टेरेसा मे ने क्यों कहा कि मुझे फ्रेश मैंडेट चाहिए, क्योंकि वो पहला मैंडेट वो समझती थी कि उनका है, डेविड कैमरॉन का, ये इनका मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा मैं पब्लिक की तरफ जाती हूँ अपने आप को मजबूत करने के लिए। अब शायद खाकान अब्बासी, इनकी क्रेडिबिलिटी तो तब होती कि ये अपनी कोई साख बनाते, ये वो बजाय बताने के कहें जी मैं नवाज शरीफ, मेरा अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, उसके कदमों में बैठे हुए हैं, लंदन जा रहे हैं उसको मिलने के लिए। एक आदमी करप्शन में डिस्क्रेडिट हुआ डिसग्रेस हुआ, आप जा रहे हैं लंदन उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। सारी वो जो इनके मुँह खोलता है वो कहते जी नवाज शरीफ हमारा अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। लिहाजा
और फिर फाइनेंस मिनिस्टर, कभी दुनिया में सुना है कि फाइनेंस मिनिस्टर पहले तो चक्कर मार रहा है अपने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के केसेस पे, वो वहां मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, मुल्क का फाइनेंस का मिनिस्टर, उसके ऊपर करप्शन केसेस, वो वहां चक्कर लगा रहा है, जो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने जवाब जिनमें से गवाह आ रहे हैं उनके ऊपर वो बैठा हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे पता है कि अगर वो प्रेशर नहीं कर सकेगा लोगों को अगर वो चला गया, अब वो मफरूर हो गया, अभी भी उसको फाइनेंस मिनिस्टर रखा हुआ है। यानी ये कोई बनाना रिपब्लिक है, ये कोई गवर्नमेंट चल रही है? लिहाजा एक जमहूरियत में चंद महीने तो रह गए इलेक्शन के, आप थोड़ा पहले भी कर दें, क्या प्रॉब्लम होना है इलेक्शन का, क्यों नहीं करते? ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है, कोई पब्लिक के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट। और अगर इलेक्शन नहीं होता सर, जो कि अभी तक लग रहा है कि नहीं करवाया जाएगा, तो फिर आप असेंबलियों से इस्तीफा दे सकते हैं या नहीं? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने शायद ऐसी कुछ बात कही है कि हम जाएंगे कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए। देखें आसमान, देखें हमारा इस वक्त ये कोई हम फोर्स किसी को नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी है, ये मेरी राय है मेरे मुल्क के लिए। इस वक्त मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जा रहा है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, इन्होंने इतने ज्यादा कर्जे ले लिए हैं, ना एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, यानी कर्जों को आप वापसी बाहर जो बैरूनी कर्जे होते हैं वो 82 अरब पे पहुंच गए हैं डॉलर पे, अब उसको वापस करने के लिए आपके पास एक्सपोर्ट्स अर्निंग होगी तो वापस करेंगे, वो इम्पोर्ट्स 50 अरब पे पहुंच गई है, एक्सपोर्ट्स गिर के 20 अरब पे चली गई, 30 अरब डॉलर का खसारा है। अब ये इतना बड़ा क्राइसिस है, ये किसी टाइम पे भी रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, रुपया अगर नीचे जाएगा महंगाई और हो जाएगी, लोग और पिसेंगे, लिहाजा इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट चाहिए, कोई फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, कोई नई सोच चाहिए। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट इस वक्त इलेक्शन है, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है कि जमहूरियत में आगे बढ़ने का। तो अगर नहीं होते तो हम कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं अगर नहीं होते? नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इस्तीफा दे दें। नहीं, वो तो हमारे इस्तीफे देने से तो गवर्नमेंट चेंज ही ना होगी। लेकिन पीएमएलएन के कुछ लोग रابطे में तो हैं आपके साथ में? जी बिल्कुल रابطे में है, कुछ नहीं काफी है। कितने हैं सर? छोड़े वो काफी है, क्योंकि अंदर जॉगर्स वाले भी हैं। पीएमएलएन के अंदर पार्टी तो नहीं है ना, ये कोलिशन है इंटरेस्ट की, और ज्यादातर लोगों का अब इंटरेस्ट नवाज शरीफ के साथ नहीं है, क्योंकि वो -1 हो चुका है, वो माने या ना माने, वो कहते हैं ना माइट बी अ लेजेंड इन हिज ओन माइंड, लेकिन पब्लिक के अंदर वो खत्म हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो अब जो लोग डरे हुए हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा, जिस तरह काफ लीग वालों को था जब वो नवाज शरीफ जब वापस आया था, लेकिन अब वापसी हो नहीं सकती, तब तो एक मिलिट्री डिक्टेटर से समझौता होकर बाहर चले गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने नाइल कर दिया फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए वापस नहीं आ सकते। इसलिए थोड़े ये दिनों की बात है, ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने की बात है, इस पार्टी ने टूटना है, अगर सिर्फ तब ना टूटती अगर नवाज शरीफ अपने आप को लैदा कर लेता, तो आप क्योंकि वो अब पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है चोरी बचाने के लिए, लिहाजा इस पार्टी ने टूटना है। तो आपके पास लोग आ सकते हैं, मैं ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद आऊंगी। खान साहब ने बड़ी खबर दी है, कुछ और खिलाड़ी भी टूट के आ सकते हैं, कितने हैं ये आदमी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत इंफॉर्मेटिव दिलचस्प गुफ्तगू, कम से कम मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि होने क्या जा रहा है। खान साहब ने ब्रेक से पहले एक बड़ी बात कही है कि बहुत से लोग इनके पास आने को तैयार है। खान साहब, कब तक अनाउंसमेंट्स, आपने कहा 2 महीने और, तो इसका मतलब है इलेक्टेबल्स और अनाउंसमेंट्स जो इलेक्टेबल्स की है वो 2 महीने में आप करना शुरू कर देंगे? देखिए असमा, इशू इस वक्त ये है कि लोग सिर्फ वेट एंड सी पे, क्या होता क्या नून लीग से, नून लीग वालों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, कोई उधर फैक्शंस कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, थोड़े से बस वो मोटू गैंग जो मरियम ने पाली हुई थी वो थोड़ी सी नवाज शरीफ के साथ अभी खड़ी है, बाकी तो सारे हिले हुए हैं और उनको नजर ही नहीं आ रहा। आप देखें ना, अगर नवाज शरीफ इनका वो फिर कोशिश करेगा, अभी जो वोट आने लगी है असेंबली में, वो फिर कोशिश करेगा प्रेसिडेंट बनने, अगर वो इस पार्टी का प्रेसिडेंट रह गया, उसका सिर्फ एक मकसद है, 1 पॉइंट एजेंडा, एनआरओ प्रेशर डाल के गम एनआरओ ले और अपना पैसा बचाए, ठीक, उसके अंदर पार्टी डरी हुई है कि ये अगर प्रेसिडेंट रह गया तो हमारी आगे कोई फ्यूचर नहीं है और इनकी कोई फ्यूचर नहीं है,
इनकी फ्यूचर सिर्फ ये थी कि नवाज शरीफ से को अलहदा करते, जो ये गए थे शहबाज शरीफ और खाकान नवाजी उसे बात करने कि आप अलहदा जो भाईजान आप अलहदा हो जाए तो हमें मौका दें ताकि हम कम अज कम अगर हम पावर में आ गए और फिर इलेक्शन जीत गए तो हम फिर आपके लिए करप्शन आप बचा लेंगे आपको चोरी से। लेकिन नवाज शरीफ डरा हुआ है, उसे पता है कि अगर ये मैं अलहदा हो गया मेरी कन्विक्शन हो गई तो सारे ऑर्डर्स आएंगे इंटरनेशनल के जी इनके सारे एसेट्स फ्रीज किए जाएं जो इतनी मेहनत से चोरी करके 30 साल में इन्होंने 300 अरब रुपया जमा किया है वो फ्रीज हो जाएंगे। इसीलिए वो तैयार नहीं है छोड़ने के लिए और ये हमारे लिए तो अच्छा है तो फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए अच्छा है इनके लिए बुरा है तो प्राइम मिनिस्टर फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट और ये यानी क्योस बढ़ाया जा रहा है आपको लगता है वैसे सिस्टम डीरेल हो सकता है या कोई गैर जमहूरी चीज हो सकती है या इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकते? देखिए डीरेल करने के लिए तो एक आदमी पूरी कोशिश कर रहा है उसका नाम है नवाज शरीफ, वो डीरेल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, वो हर वो चीज कर रहा है जो मरियम सफदर ने जो रिमार्क्स दिए हैं जो सुप्रीम के खिलाफ जो सारा डॉन लीक का नैरेटिव, फिर ख्वाजा आसिफ ने जो अमेरिका में जाके फुलिश बातें की, फिर ये जो एहसन इकबाल सूडो इंटेलेक्चुअल जो इनका जो झूठा अरस्तो उसने कोशिश की इस तरह ड्रामे करने की, वो तो रोज कह रहे हैं कि मार्शल लॉ के चांसेस हैं या सिस्टम डीरेल हो सकता है। डीरेल तो नवाज करवा रहा है ना। देखिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मान रहे हैं तो डेमोक्रेसी को तो डीरेल आप कर रहे हैं। और आप गवर्नमेंट सोचे, गवर्नमेंट में बैठ के गवर्नमेंट में वजीर एक वो आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाहल करार दिया है पूरा मौका देके उसके साथ जब खड़े हो जाए जाके, वजीरों का और प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कौम के पैसे की हिफाजत करना, वो जिसने कौम का पैसा चोरी किया वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कौम के पैसे की नहीं, कौम के पैसे का जो चोर है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। सिस्टम को खतरा हो सकता है, इससे ज्यादा आप तो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं डेमोक्रेसी। मैं फिर से कहता हूं सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट अदलिया लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव। जब एग्जेक्टिव एक मुजरिम को अपने अदलिया के खिलाफ बैक करना शुरू कर देता है तो बाकी क्यों कोई माने है सुप्रीम कोर्ट को? मुझे अगर कल कोई फैसला करता है मेरे खिलाफ मैं क्यों मानू उसको? तो ये तो एक मुल्क के सारी फाउंडेशन शेक कर रहे हैं एक खानदान की चोरी बचाने के लिए। लिहाजा ये पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर अगर डीरेल हो जाता सिस्टम नवाज शरीफ बच जाएगा। अगर डीरेल हो जाता है तो नवाज शरीफ कहेगा जी मुझे तो मिलिट्री ने कर दिया, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीछे ये जुडिशियल कू हुआ है, वो ये कहेगा, उससे उसका पैसा बच जाता है। इंटरेस्ट नवाज शरीफ का इसको डीरेल करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी इलेक्शन करवाया जाए। आपको लगता है सिस्टम बचाने का वाहिद तरीका ये है कि बेहतरीन तरीका है आप देखें इलेक्शन करवाएं? इसका मतलब खतरा आप भांप सकते हैं यानी तीसरी कुव्वत फिर वो भी तो आ सकती है ना कि अगर यही सूरत अनारकी हुई और इसी तरह की सिचुएशन हुई तो फिर तीसरी कुव्वत तो आ सकती अगर है। नवाज शरीफ वापस आके फिर एक क्यों निकाला टूर पे निकल जाता है मुझे क्यों निकाला और वो उसी अदलिया को और फौज को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और कुछ एनआर कोई तोड़फोड़ शुरू हो जाती है सड़कों में कुछ हो जाता है तो क्या होगा फिर? जब गवर्नमेंट खुद बैक कर रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एजिटेशन, वजीर उसको पहले किया जीडी रोड पर सारे वजीर फिर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर फिर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ही बैक कर रही है एक आदमी को जो ओपनली चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। ये आप मुझे बताएं कि ये क्या ये एनआरकी नहीं है? तो ये सिस्टम नहीं डीरेल हो रहा? आप सपोर्ट करें अगर कुछ ऐसा होता है? मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? हम 21 साल से इस मुल्क में स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रास रूट से लेके, मुझे तो कोई जनरल जलानी ने और जनरल जिया ने लॉलीपॉप देके नहीं बनाया, मैं तो अपने पैर पे पहुंचाऊंगा। एक अगर मेरी इस वक्त अल्लाह का करम से और अवाम की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ चले, एक सबसे बड़ी पार्टी आज पाकिस्तान में फेडरल पार्टी है, इनकी तो अब छोटे छोटे सूबों में रह गई है ना, हमारी तो फेडरल पार्टी है। मैं क्यों चाहूंगा कि जनाब ये मार्शल लॉ लग जाए? मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें? इतनी मेहनत करके जो किसी ने की नहीं है, हम तो चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़े। और अगर इलेक्शन होता है और आप जीत जाते हैं और लेकिन आप वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेते तो आप अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत बनाएंगे? बनाएंगे तो किस पार्टी के साथ? असमा अगर ये तो अगर वो ये तो मैं अभी नहीं कह सकता अगर क्या होगा, मुझे तो नजर आ रहा है कि इस बार इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ क्लियर मेजोरिटी से जीतेगी इंशाल्लाह वाज़ेह अक्सरियत के साथ। मैं तो पब्लिक में हूं, आप देख लेना मैं कल से फिर जलसों पर निकल रहा हूँ, 4 जलसे हैं मेरे हर रोज, आप देख लेना। पब्लिक को आप कभी भी जलसे पे, एक होती है पब्लिक
जो वो मुझे पीपल्स पार्टी के जलसों पे तरस आता है, वो जब लाए जाते हैं ना भेड़ बकरियों की तरह वहाँ, तो वो नज़र आ जाती है। एक होते जो लोग चल के आते हैं, आपको इंशाल्लाह नजर आएगा पब्लिक। तो आपको लगता है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट कोई वाकई कोई ये ख्वाब है या कोई बात हो रही है, इसके ऊपर यकीन रखते हैं आप? पता नहीं इसका क्या, कौन ये ऐसी बातें कर रहे हैं टेक्नोक्रेट्स की, क्या इस पे कैसे फिट इन होता है टेक्नोक्रेट? अगर एक गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही जो ये नहीं कर रही, तो इलेक्शन करवा दें, और इलेक्शन तो होना ही है। मैं सिर्फ जो नहीं चाहता, इलेक्शन डिले नहीं मैं चाहता। मुझे डर ये है कि जो सेंस को पहले करवाना चाहिए था, एक साल पहले इन्होंने इतना लेट क्यों करवाया, इन्हें पता था इलेक्शन आ रहा है। हल्का बंदियां का के वजह से अगर किसी किस्म की हमने डिले नहीं एक्सेप्ट करनी। आज तो उस पर इत्तेफाक हो गया ऑलमोस्ट सारी जमातें थी कि, लेकिन हमें डर ये है कि हल्का बंदियां के अंदर ये बड़ा लंबा आगे ना चला जाए। हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन पहले तो अली इलेक्शन हो, मेरे ख्याल में कि मुल्क की जो जरूरत है आज पाकिस्तान की अली इलेक्शन, लेकिन किसी सूरत हमने डिले नहीं एक्सेप्ट करनी। ये मतलब अगर डिले होता है, आपको लगता है कि डिले नजर आ रहा है और कोई सेटअप और भी आ सकता है, जिस तरह की रूमर्स फैली हुई है इस्लामाबाद के अंदर इस बुनियाद के ऊपर? देखिए, सिर्फ ये जो बात हो रही है ना, वो क्योंकि नवाज शरीफ डीरेल करने की कोशिश कर रहा है अपनी चोरी बचाने के लिए, उसमें तो ये टेक्नोक्रेट का सेटअप आता है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी की डिमांड ये है कि अर्ली इलेक्शंस हो। खान साहब, चौधरी निसार ने भी कुछ बातें की पिछले दिनों में, आपने कहा कि पार्टी के अंदर एक स्प्लिट नजर आता है जो कि नजर आता नहीं, अब तो यकीन हो गया लोगों को। क्या चौधरी निसार के साथ भी आपका कोई राबता है या कुछ और लोग हैं? जी नहीं, चौधरी निसार से रब्ता नहीं, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कोई भी खुददार मुस्लिम लीग के अंदर जो भी पॉलिटिशियन होगा वो कहेगा कि इसको अलहदा करो, नायल आदमी को जो करप्शन में पकड़ा गया 300 अरब रुपए की, इसको अलहदा करें और पार्टी आगे चले। अब आइसलैंड की जब प्राइम मिनिस्टर, जो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर गया था, वो पार्टी तो चलती रही है, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया। ये तो एक बादशाह इन्होंने कायम की हुई है, एक फैमिली पार्टी है, एक फैमिली पार्टी भी नहीं, ये एक किस्म का इन्होंने, ये जरदारी पार्टी उधर है, इधर शरीफ पार्टी है, उधर असवंदियार पार्टी है, ये वली खान पार्टी है, उधर फजल रहमान पार्टी है, उधर अचनजई पार्टी है, ये सारी फैमिलीज हैं सारी। सर, एज ए लीडर जाहिर है कि आपकी नज़र तो कौमी सियासत के ऊपर है, अगर एक हंग पार्लियामेंट आती है और फिर 2008 की सी सिचुएशन होती है, तो वो अभी बड़ा, देखिए मेरे ख्याल में जो इस वक्त सैलाब आएगा किसी को अंदाजा ही नहीं है। मैं तो पब्लिक में हूं ना, मैं तो जलसे कर रहा हूं, मुझे तो पता है। मैं 21 साल से नीचे से शुरू हुआ था, मैं फिर से कोई जनरल जरानी ने मुझे चूसनी नहीं दी थी, मैं नीचे से सारी पार्टी बनाई है। जो आज मैं देख रहा हूं, जो पब्लिक रिस्पॉन्स देख रहा हूं, मेरे ख्याल में ये सारा स्टेटस को बह जाएगा। और चेयरमैन नैब सही चल रहे हैं? बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन सर, आप मुतमईन हैं? मैं भी कह नहीं सकता, लेकिन सारी कौम देख रही है चेयरमैन नैब की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, खान साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो फैसला भी आप कीजिए। फैसला आपका।